तो आज की क्लास में हम मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे और उसके उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने अटेम्प्ट करी थी? यस सर। ठीक है, ताकि जो जो भी डाउट हो वो भी क्लियर कर लेना, फिर अगर टाइम बच जाएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ये स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज थी, इसमें से देख लो। बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे तब तक ट्राई करना तो ट्राई कर लो। हम 2 मिनट ओके और सर। वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक अगर आपको ट्राई करना हो तो कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जिसने अटेम्प्ट किया और किसी को डाउट हो तो पूछ लो। A1 से A7, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है। इनडेफिनेट में हमने जो मेथड पढ़ा था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से इंटीग्रेट करना है और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आया ना। यस सर। आप लोगों ने सही में अटेम्प्ट किए कि नहीं कर पाए, जो भी है सच बताओ। सर हमारा फर्स्ट वाला ही था सर, फर्स्ट वाला ही हो रहा था सर। चलो थोड़ा थोड़ा से क्लास में मिलके ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये पीरियोडिक फंक्शन जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उस पे बेस क्वेश्चन है, एक बार इनको ट्राई कर लो, फिर इसका डाउट डिस्कशन कर देंगे। 3 मिनट का समय है आपके पास, 3 से 4 मिनट का। इन 5 क्वेश्चन को ट्राई करो। C1 से C5, पीरियोडिक फंक्शन कल पढ़ाया था ना, याद है? यस सर। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर इस पे डाउट डिस्कशन कर लेंगे।
हो गए अटेम्प्ट, कहां तक पहुंचे? हेलो कर रहे हो, कहां तक हो गए? सर अभी कर रहे हैं सर, यस कर रहे हैं सर। सर सेकंड वाला सर। चलो एक एक करके बताओ, फर्स्ट का आंसर क्या है? फोर। ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। मॉड 3x है, याद करो मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता था? पाई आया ना? यस सर पाई। जब x को कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई तो पीरियड कितना हो जाएगा सर? 3 पाई होगा। अब उल्टा सुल्टा बोलो, पाई बाय 3 होता है। फंक्शन fx, हां तो आप तो बोलोगे इसे, अब फंक्शन fx का पीरियड अगर t है तो f of ax + b का पीरियड क्या होगा? t / a, t a से डिवाइड करते थे, याद आ रहा है? यस सर। तो फिर ऐसे भूलना थोड़ी है, ऐसे भूल जाओगे तो क्वेश्चन ही कहां से सही होंगे। तो इसका पीरियड पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 के टर्म्स में लिखना होगा इसको। तो 0 से मॉड ऑफ साइन 3x dx, अब 2 पाई दिया हुआ था तो 2 पाई को पाई बाय 3 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो सर। 6 6 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 पाई को लिख दिया 6 इंटू पाई बाई 3, अब ये 6 आगे आ जाएगा। अब 0 से x की वैल्यू, अगर 0 से पाई 3 है तो 3x 0 से पाई, और 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यस सर। अब साइन 3x का आप इंटीग्रेशन करोगे, साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाई 3 0 से पाई बाई 3 माइनस 2, ये 2 बच जाएगा, अपर लिमिट कॉस पाई बनेगा, अब पाई बाई 3 को तो पाई बनेगा तो माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। इलेवन की पावर x अपॉन 11 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे ब्रेक होता है सर? इंटीजर पे। इंटीजर, अच्छा यहां पे डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। यस सर। और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट, और ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, 11 आगे आ जाएगा 0 से 1, सही है? यस सर। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है। यस सर। तो बचेगा 11 की पावर x। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला, a की पावर x अपॉन में log a, तो बचेगा 11 की पावर x अपॉन में log 11, लिमिट 0 से 1, एक बार अपर लिमिट रख देना माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आएगा 10, तो 10 110 बटे लॉग 11। क्लियर है? बोलो। यस सर। अगला क्वेश्चन, ये भी वेरिएबल माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट होगा, आया ना? यस सर। अगर फ्रैक्शनल पार्ट टी होता है 1, तो x / 2 का पीरियड क्या होगा? 2 1 / 1 / 2 करो, डिवाइड करोगे 1 / 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। यस सर। यस सर। 2 मतलब ये जो फंक्शन है अंदर इसका पीरियड है 2।
अब बाहर सिग्नम भी लगा हुआ है सर, सिग्नम से क्या होता है? सिग्नम से, हाँ सिग्नम का मतलब क्या होता है देखो, अगर सिग्नम एक्स के अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर वन आता है, एक्स की वैल्यू तो आंसर जीरो आता है, और माइनस। अब सिग्नम में आपको क्या दिया हुआ था, एक्स बाय टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय टू, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय टू हो जाएगा, आया ना? यस सर। अच्छा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई करता है सर? माइनस नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट जीरो से वन तक लाई करता है हमेशा। यस सर, फ्रैक्शनल, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। यस सर। तो जीरो से वन के बीच में अगर लाई करेगा तो यहाँ पे फिर दो कंडीशन, अगर अगर जीरो हो गया तो सिग्नम जीरो की तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, और मान लो जीरो और वन के बीच में तो पॉजिटिव है तो सिग्नम फिर वन आ जाएगा, है ना? यस सर। और लिमिट कहां से कहां तक थी आपकी? माइनस टू से टेन। अब चाहो तो आप इंटीजर्स पे ब्रेक कर सकते हो, या फिर मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये जो नंबर है क्या ये ऑलवेज जीरो से वन के बीच में लाई करेगा? यस सर, क्योंकि फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फिर उस केस में तो फिर इसका आंसर 1 आ जाना चाहिए, तो वो 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 12 आ जाएगा आंसर, आया ना? यस सर। क्योंकि देखो मैंने आपको जब लिमिट में पढ़ाया था, सॉरी इसमें पढ़ाया था, a से b जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली ओरिजिनली होता क्या है, a से थोड़ा सा आगे और b से थोड़ा सा कम, आया ना? Yes, sir. होता है, ये कभी भी ये तो जीरो कब बनेगा, सिर्फ एक ही केस में जब ये इंटीजर हो जाए, तो और वैसे भी इसके बीच में ये नंबर डेसिमल्स में रहेंगे ओपन इंटरवल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12, क्योंकि ये जो वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, क्योंकि सिग्नम के अंदर ये जो इनपुट जा रहा है ये पॉजिटिव इनपुट है, और सिग्नम के अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर है? अपन जब लिमिट्स में इंटरवल लेते हैं ना, तो a से थोड़ा सा आगे b से थोड़ा सा कम, एग्जैक्टली a और b लेते हैं क्या? ओके सर। नेक्स्ट सर, फोर्थ c4 सर, लास्ट वाले क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, मतलब जीरो तो बीच में आएगा ना? जीरो बीच में आएगा, तो आप है ना एक काम करो, ब्रेक कर करके लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर ब्रेक करके लिखोगे जैसे माइनस दो से माइनस एक से जीरो, जीरो से वन, तो जब भी आएगा ना तो डेसिमल हमेशा ऊपर रहेंगे, तो बीच में जो भी नंबर आएंगे डेसिमल में आएंगे, जीरो पॉइंट समथिंग जीरो पॉइंट समथिंग, ऐसा नहीं सब बोलोगे कि एग्जैक्ट जीरो आएगा, इंटीजर बेसिकली आएगा ही नहीं, हमारे जो एक्सपीरियंस आएगी डेसिमल में ही आएगी, इंटीजर कभी आएगा ही नहीं, समझ आ रहा है? Yes, sir. अब ब्रेक करके भी लिखोगे तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा। ओके सर। हाँ चाहो तो कहीं से भी ब्रेक कर करके लिखो, हाँ किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, जो अगला वाला है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिमिट में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, c4
सी फोर सी फाइव बताओ, सी फाइव तो करवाया था क्लास में, हाँ है ना? ठीक है 40, ओके। सी फोर कैसे करेंगे? बताओ बोलो। लॉजिक लगाओ, कुछ तो सोचो। सर इसमें भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम फ्रैक्शनल पार्ट x में चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो सर, फिर उससे हो जाएगा शायद। पर फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे डिफाइन करोगे? इंटीग्रेशन तो फ्रैक्शनल पार्ट का भी नहीं होगा ना, आपको तो फंक्शन को डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। यस सर। हाँ कैसे डिफाइन करोगे? जब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख नहीं सकते। और सोचो। आपका ऑप्शन भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में दिए हैं, लॉजिक लगाओ हो जाएगा। ये देखो ये तो एक कांस्टेंट ही आएगा कोई ना कोई इंटीजर। यस जीरो देख, हां जी नहीं, ये तो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, हां है ना? यस सर। यस सर। चलो अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, नहीं समझ में आता। ये एक्स अलग कर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग कर लिया, अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x square upon 2। यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करो? लॉजिक लगाओ बताओ। बाहर ले लेंगे। नहीं 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 ग्रेट, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, है ना? यस। और ये बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन के बच्चे का वन वन का इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों सर? क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा की इंटीजर ही आएगा ना, वेरिएबल थोड़ी है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट आप x की वैल्यू अलग अलग रहती है, लेकिन ये आता तो एक कांस्टेंट ही है ना, है ना? यस सर। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका बाहर आ जाएगा वन बच्चे का। अब यहाँ पे रखो वैल्यू, यहाँ पे तो आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय टू। या फिर और क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे? सर ये तो नेगेटिव का आ रहा है। सर ये तो माइनस में आ रहा है। हाँ कुछ और सोचना होगा फिर। सर ये x को कैसे इंटीग्रेट कर दिया था? अलग अलग कर दिया था मैंने x, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया x को, इंटीग्रेशन x वाला x, इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया था इंटीग्रेशन के। एक काम करो अपन रख रख के देखें, यहाँ का वैल्यू रख के देखें उससे लॉजिक बैठे कि भाई आंसर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। x की जगह वैल्यू भी पुट अप नहीं कर सकता, x की जगह आप वैल्यू पुट अप करो 1 तो भी काम नहीं बनेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट अगर लिखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट को भी लिख के फिर जीरो से सम इंटीजर। अगर मान लो एक सिंपल ऐसा होता
जैसे यहाँ पे तो ये इंटीजर है, अगर ये मान लो वन ये तो ये भी वन होगा, अगर ये मान लो टू है तो ये भी टू होगा। सर अगर हम सिर्फ जी आई एफ एक्स को हम चेंज करके एक्स माइनस एफ पी एफ एक्स में कर दे तो फिर वो हो सकता है? वो बच्चे का तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ही ना, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वन आ जाएगा। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ठीक है, अभी के लिए इसको रख देते हैं, वापिस सोचते हैं थोड़ी देर बाद। सर फिफ्थ वाले का तो पार्ट भी आ रहा है ना? हाँ, फिफ्थ वाला तो करा दिया था क्लास में, इसको मैं देखता हूँ एक बार वापिस ट्राई करके थोड़ी देर बाद। नहीं तो अब ये बी सेक्शन के थोड़े क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी सिखाई थी, B4 से B27। ये ट्राई करो, तब तक मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ कैसे करना है। B4 से B27 वापिस 3-4 मिनट का समय, प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लो। इसमें प्रॉपर्टी सोचना, जो 6 प्रॉपर्टी करवाई थी उन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन है ये। सर सारे अलग अलग है? हाँ सारे अलग अलग है, तो मैं लॉजिक लगाना पड़ेगा। हाँ कि क्या क्या दिमाग लगाना है, लगाओ।
अटेम्प्ट हो गए क्या? बोलो जी सर, कर रहे हैं अभी। ठीक, सर फर्स्ट वाले का तो वन आ रहा है, सेकंड वाला कंफ्यूजन है। हो गया क्या अटेम्प्ट? बोलो। चलो फर्स्ट वाला देखो, मॉड साइन एक्स से जीरो से टू पाई है, तो मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा। यस सर। अब जीरो से पाई में मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, और पाई से टू पाई में पाई से टू पाई में नेगेटिव ओपन होगा, सही है? यस सर। यस सर। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, वापस यहां माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, और यहां पे कॉस टू पाई कितना होता है? वन। तो टू प्लस टू फोर आ जाएगा। वेरी गुड, ऐसे किया था? यस सर। उससे भी कर लो एक ही बात, ठीक है? टू को आगे भेज देना, उससे भी आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगला वाला कैसे करोगे? x into ln sin x, अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हो,
और दूसरा वो वाली प्रॉपर्टी से भी सोच सकते हो, सबसे पहले प्रॉपर्टी फोर सोच लो, प्रॉपर्टी फोर में क्या होगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर, वेट करके देखो ध्यान से, एक सेकेंड। आप लोगों ने कैसे किया? फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई है सर, ब्रेक करके। कैसे ब्रेक किया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। यस सर, बट विल बी आंसर। ठीक है, प्रॉपर्टी फोर अप्लाई कर लो। आई को लिखने का वापस तरीका क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। इससे फायदा क्या होगा, एक्स आपका कैंसिल, दोनों को ऐड करोगे तो 2y इक्वल टू 0 से पाई, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स वापिस साइन एक्स ही बन जाएगा, और ये x और x वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई log साइन एक्स, पाई बाहर आ जाएगा। अब log sin x बचा, अब बताओ अब क्या करें? देखो प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करके ये तो हटा दिया अपन ने, अब अच्छा क्वेश्चन है, बताओ ln sin x बचा, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? बाय पार्ट से होगा क्या? पर इस वन फंक्शन बाय पार्ट से हो रहा है क्या? मतलब आपने किया हो तो बताओ। इसकी लिमिट आधी हो जाएगी, जीरो से क्या हो जाएगा पाई बाई टू, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ln sin x, है ना? अरे याद है? यस सर, यस सर, यस सर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर वापस प्रॉपर्टी फोर के बारे में सोचोगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई टू माइनस एक्स रखो तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, समझ आ रहा है? यस सर। प्रॉपर्टी फोर अगर वापस अप्लाई करूंगा तो वापस देखो क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस एक्स ln cos x आ जाएगा। यस सर, सर इसमें पाई बाय टू फुट करके ब्रेक नहीं होगा सर, इसमें क्या हो गया सर, इसमें ब्रेक नहीं हो सकता फंक्शन? नहीं 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 नहीं, अरे अपन प्रॉपर्टी फोर लगा रहे हैं, x की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स रखेंगे, आ रही बात समझ में? अच्छा सॉरी सर, प्रॉपर्टी फोर लगाई ना, बस एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स रख दिया और दोनों को ऐड करेंगे। ओके सर, ऐड करोगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ ए बी हो जाएगा, ये एनसीईआरटी का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा, और साइन इंटू कॉस को मैं साइन टू एक्स बाय टू लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर, अब टू एक्स को अगर मान लो मैं टी पुट अप कर दूं, तो 2x को t पुट अप करने पे, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का शायद, एक बार आप देख लेना, तो लिमिट्स किस में चेंज होगी ध्यान से देखना, जीरो पे जो जीरो ही रहेगा, लिमिट्स हो जाएगी जीरो से पाई लॉग ऑफ
साइन टी अपॉन टू, और डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी बाई टू, मैं वापस कोशिश कर रहा हूं कि आई क्रिएट हो जाए। अब यार टू देखो टू है ना, अब इस टू को अलग कर रहा हूं मैं, समझना अच्छे से, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ, यहां तक सारी स्टेप्स को देख लो। देखो अपने पास क्वेश्चन ये था सर, डन है, आई इक्वल टू पाई बाई टू एल एन एक्स, यहां से स्टार्ट किया हमने। ये देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मेरे पास क्वेश्चन यहां तक कन्वर्ट हो गया, समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। ठीक ठीक है, एक बार वापिस समझा देता हूँ, कहाँ गया नया पेज। देखो यहां तक मेरे पास क्वेश्चन कहां तक था, पाई बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स, समझना अच्छे से, यहां तक क्लियर हो गया था। इसके बाद प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई करी, प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई करने पे यही सेम फंक्शन वापस आ रहा था, तो लिमिट आधी हो गई, हमारा आधी होके क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई करी, ये आपके पास बन जाएगा पाई जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब समझना अच्छे से, मैं वापस वही फंक्शन वापस क्रिएट करना चाहूँ। अब वापस प्रॉपर्टी जब फोर अप्लाई करेंगे एक बार और, तो प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करने पे इस बार क्या होगा, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस होगा, हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब इसको इसको हम प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा, तो लॉग साइन इंटू कॉस को आप क्या लिख सकते हो, साइन टू एक्स बाई टू, ठीक है, आप समझना अच्छे से। यहाँ पे मैं क्या करूँ, वापस किसी ऐसे ही फंक्शन वापस क्रिएट करने की कोशिश करूँ ताकि आई आई क्रिएट हो जाए, वापस सिंप्लीफाई हो जाए। तो 2x को मैं मान रहा हूँ यहाँ पे t, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है, वो मुझे एक सिंगल फंक्शन चाहिए, तो 2x को अगर आप t बोल दोगे, अच्छा ये देखना ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो कितना जाएगा, आई इक्वल टू पाई बाई टू जीरो से एक्स की जगह पाई बाई टू रख दोगे तो कितना आ जाएगा, पाई एल एन ऑफ साइन ऑफ ये हो जाएगा t डिवाइड बाय 2, और dx की जगह कितना आ जाएगा dt बाय 2। ये रहे यहां तक? Yes sir। अच्छा समझना, ये 2 वापस बाहर आ जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4 जीरो से पाई log ऑफ sin t, और ये 2 को अलग कर रहा हूं माइनस एल इन टू, ठीक है, अब समझना अच्छा। Yes, अच्छा वेरिएबल के चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन में बस जहां जहां भी टी है उसकी जगह सिंपली एक्स लिख रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये फंक्शन वापस क्रिएट हो गया है ना, इसके लिए इसकी पाई बाई टू अगर इसके साथ एक रख देंगे, पाई बाय फोर था ना ये, यस सर, वन बाय टू इनटू पाई बाय टू से पाई एल एन साइन एक्स डी एक्स, ये पाई बाय फोर अंदर चल जाएगा, लॉग टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स, ये आई, तो ये वन बाय टू के साथ जो बचा हुआ फंक्शन है ये बेसिकली ये भी तो आई है, आई है, यस सर, माइनस पाई बाय फोर लॉग टू इंटू पाई,
अब ये आई बाई टू क्रिएट हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आई बाई टू बचेगा। टू से टू कैंसिल, पाई स्क्वायर बाई टू लॉग टू। ऐसा देखो यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एनसीईआरटी में मिसलेनियस मिस्टेक का क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पे क्या होता है कि प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करने के बाद वापस प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई करके फिर वापस प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करके तो वापस आई क्रिएट होगा, वो आई क्रिएट होने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। आ रही बात समझ में? इसलिए क्वेश्चन माइनस भी तो आएगा। क्या कह रहे हो? माइनस से माइनस। अरे वो कैलकुलेशन आप देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसलिए मैंने कहा था एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको पूरा देख लेना। आपकी वो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है या तो वहां पे होगा या फिर इधर सॉल्व एग्जांपल में होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन 26, 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ मॉड टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। या के हो गया कि डाउट है? देखो प्रॉपर्टी फोर के बारे में अगर सोचोगे तो एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स रिप्लेस होगा तो वापिस यही फंक्शन वापिस आ जाएगा। इसमें साइन कोस में कन्वर्ट हो जाए फिर लास्ट फंक्शन जैसे होता था, जैसे लास्ट क्वेश्चन हुआ था। अगर साइन कोस में कन्वर्ट करो उससे हो रहा है क्या? इसको लिखो कि क्या ये सर थोड़ा लास्ट जैसे ही हो रहा है। साइन बाय कोस प्लस कॉस बाय साइन, एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नीचे बन जाएगा, हाँ वन अपॉन साइन टू एक्स बन जाएगा शायद, सॉरी वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स का प्रोडक्ट आ जाएगा सर, टू और 27th में अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर टू पावर में चल जाएगा तो लॉग ऑफ साइन स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ साइन टू एक्स, तो दोनों लॉग डिवाइड हो जाएंगे। तो क्लास में लिया था शायद ऐसा क्वेश्चन, ध्यान आता है। ये देखो ये टू टू को पावर में भेज देना, दो लॉग माइनस में तो डिवाइड हो जाते हैं। यस सर। है ना, साइन नीचे को लिख देना टू साइन एक्स कॉस एक्स, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स। क्लियर है? जी सर। इसमें सोचना, इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करोगे टेन बदल जाएगा कॉट में, दोनों को ऐड करोगे तो ऐड वाले मल्टीप्लाई होंगे और टेन इंटू कॉट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वन, तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा वन। क्लियर है? प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करके ऐड कर देना, हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। चलो एक बार ये सी फोर क्वेश्चन देख लो वापिस से, सिखा रहा हूँ ये जो सी फोर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ये जो क्वेश्चन हमारा अटका था इसको सिखा रहा हूँ एक बार, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सी फोर में हमको दिया हुआ था जीरो से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहां ऑब्जर्व करोगे तो ये जो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है ना, बोलो। यस सर। यस सर। और ये तो पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड कितना होता है वन, है ना, और ये कोई ना कोई वैल्यू का एन कांस्टेंट टाइप जो बताया था मैंने, हाँ है ना, ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, बोलो। समझ में आ रहा है? यस सर। तो देखो मैं यहाँ पे पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इनटू वन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, लिख सकते हैं। अब देखो ये कोई ना कोई इंटीजर है तो क्या नीचे आ जाएगा, याद आ रहा है प्रॉपर्टी नंबर वन, बोलो। यस सर। क्योंकि पीरियोडिक है, पीरियड है वन, इसके साथ जो भी प्रोडक्ट में होगा इंटीजर वो नीचे आ जाएगा, इसको आप नीचे ले सकते हो,
आपकी लिमिट अब प्रॉपर हो गई 0 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा अब 0 से 1 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू उसकी वैल्यू 0 होती है, ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन वाला। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमको, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, आया ना? यस सर। यस सर हो गया सॉल्व। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे तो 1 बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। और उसमें x स्क्वायर क्या हुआ, x स्क्वायर ये तो इंटीग्रेट कर दिया ना आपने x का, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1 माइनस 2। यस सर। ये तो अपर लिमिट x की जगह तो वैल्यू आ जाएगी ना 1 माइनस 0, आया ना, वेरिएबल थोड़ी बचेगा। यस सर। चलो अरे क्वेश्चन पूछना था। हाँ इसी मॉड्यूल का है मॉड्यूल में सर, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से पूछ रहे हो? ठीक है एक मिनट पूछ लो किसी को, किसी ने घर पे सॉल्व किया हो सर मॉड्यूल का क्वेश्चन। हाँ मॉड्यूल का पहले डाउट क्लियर कर लो, एक्सरसाइज नंबर 1 में बोलो। बी का 8, सेक्शन बी का 8, सब लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो सब लोग। Suppose for every integer n, n से लेके n plus 1, fx dx का जो इंटीग्रेशन हुआ रहा है n square के बराबर, तो minus 2 से 4 का आंसर क्या आएगा? तो ये तो एक एक करके कर लेना ना, लिमिट क्या रखी n से लेके n plus 1, आया ना, बोलो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कैसे ब्रेक करोगे, पहले minus 2 से कहाँ तक ब्रेक करोगे, 3 तक, क्योंकि आपको कहां से कहां तक ब्रेक करना है, जस्ट एक आगे वाले तक ब्रेक करना है। यस सर। सॉरी माइनस टू से थ्री तक नहीं, सॉरी माइनस टू से आगे वाला क्या आएगा, माइनस वन है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, एन एन के पास क्या लिमिट रखनी, एन प्लस वन, तो इसके प्लस वन करोगे तो कितने आएगी, माइनस वन, माइनस वन, फिर अगला माइनस वन से प्लस वन करोगे तो जीरो, फिर वन, जीरो से वन, वन और प्लस वन से टू, ऐसे करते हैं एन प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका आंसर देखो एन स्क्वायर आ रहा है, एन से एन प्लस वन का आंसर क्या है, एन स्क्वायर, तो बताओ इस फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, सर माइनस टू का स्क्वायर आएगा ना, एन यहाँ पे माइनस टू है ना, यहाँ पे एन क्या है, माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे एन क्या है, जीरो, क्लियर है? ओके सर, इनको ऐड कर देना। नेक्स्ट डाउट पूछो, और कोई मॉड्यूल में डाउट हो तो पूछो। 14 बी 14 यस सर, ठीक है। देख लो, F R से R, G R से R भी कंटिन्यूअस फंक्शन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ln
लैम्डा से लेके एल एन की पावर वन बाय लैम्डा, उसको आप माइनस एल एन लैम्डा भी लिख सकते हो, इज डिपेंडेंट ऑन एक्स जीरो माइनस वन। अच्छा, ये जो लिमिट से लिमिट्स को ध्यान से देखो पहले, तो लिमिट्स में यहाँ पे एल एन लैम्डा लिखा हुआ है और यहाँ पे एल एन वन बाय लैम्डा, उसको एल एन लैम्डा की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, बोलो। yes. ये माइनस आगे आ जाएगा फिर, बोलो। जी सर, माइनस एल एन लैम्डा हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस ए से ए टाइप, वो वाला क्वेश्चन है। ऑड और इवन चेक करना होगा इसमें। हाँ, ऑड इवन का लॉजिक लग सकता है क्या, सोचो जरा। या फिर बिना उसके भी काम हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी नंबर फोर भी अप्लाई करोगे तो भी आपका हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करोगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स ही तो रिप्लेस होगा। यस सर। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे कुछ ही नहीं क्वेश्चन है, दिखाने के लिए अजीब दिया हुआ है और जेई में ऐसा होता भी है। देख क्वेश्चन दिखने में अजीब दिखता है लेकिन होता ही है। ध्यान से देखो, आपकी जो लिमिट्स है वो एल एन लैम्डा से लेके माइनस एल एन लैम्डा तक, और यहाँ पे कुछ दिया होगा। अब प्रॉपर्टी फोर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो x का इसे रिप्लेस होगा, माइनस x से रिप्लेस होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, तो जहां जहां भी x, उसकी जगह माइनस x रिप्लेस होगा। नया वाला i क्या बनेगा? जहां जहां भी x, उसकी जगह माइनस x, तो यहाँ पे माइनस स्क्वायर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसे रहेगा? डिनोमिनेटर में g ऑफ माइनस एक्स प्लस g ऑफ x, और न्यूमरेटर में f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ f ऑफ x। तो इसमें तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लें, तो ये f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x बन जाएगा। तो बेसिकली जो पुराना था उसी का नेगेटिव टाइम्स बना, दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो माइनस टाइम्स बाहर आ रहा है, और दोनों को ऐड करने पे टू आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगला डाउट पूछो मॉड्यूल में, और कोई 16 कोट इनवर्स सर, यही वाले क्वेश्चन में नीचे से भी हम माइनस कॉमन, क्या कह रहे हो? डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लेंगे? नहीं, डिनोमिनेटर से लेने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी प्लस उसमें तो सेम बन रहा है ना, वहां से माइनस कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है, g ऑफ माइनस x प्लस g ऑफ x, और ये इसमें से माइनस कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ न्यूमरेटर में से कॉमन आएगा क्योंकि ऊपर माइनस था, नीचे का प्लस वाला है, वहां से माइनस कॉमन नहीं आएगा। कितनी का 16? यस। देख लो, माइनस वन से वन कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, पाई तो चलो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे, प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करी थी। यस सर। प्रॉपर्टी फोर से देखो चीजें हो जाती है बहुत सी। अच्छा, ऑड इवन पता कर सकते हो क्या? ऑड या इवन कुछ है क्या? यस सर, ऑड है सर, ऑड। कुछ भी नहीं है, नाइदर ऑड नॉर इवन। नहीं, fx के बराबर है, नहीं माइनस fx के बराबर है, तो कहां से ऑड इवन आ जाएगा? अच्छा, ओके सर। कि अकेला माइनस आता तो ऑड होता, और पूरा अगर सेम फंक्शन आता तो इवन होता। अब ये फंक्शन ही पूरा चेंज हो रहा है ना माइनस x रखने पे, तो फिर ऑड इवन कुछ भी नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो, करो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई, सब लोग सॉल्व करो इसको। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके ऐड करो,
फिर वन आ जाए देखते इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर टू वन और टू को ऐड कर दोगे बोलो ऐड करोगे तो cot inverse कैंसिल हो जाएगा सिर्फ पाई बचेगा हाँ है ना यस सर इक्वेशन नंबर टू है जी सर वन है प्रॉपर्टी नंबर फोर अप्लाई करने के बाद ऐड ही तो करते हैं हर बार ऐड करोगे तो प्लस का cot inverse माइनस का cot inverse कैंसिल हो जाएगा कि नहीं यस सर यस बचेगा पाई पाई क्या बचेगा वन वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑप्शन टू 2i equal to 2, i equal to 1. देखो क्वेश्चन टफ नहीं है मैंने आपको कहा था सबसे पहले हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी अगर सोचना हो तो प्रॉपर्टी नंबर 4 सोचोगे उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट डाउट पूछो जल्दी से मॉड्यूल भी जिसने अटेम्प्ट करी हो और कोई डाउट हो तो पूछ लो ये क्या सर क्वेश्चन नंबर 19 बी बी का 19 प्रॉपर्टी 4 के बारे में नहीं सोचा था इसमें भी सर सर जैसे मॉड्यूल में ना कभी कभार मेथड्स अलग से ही दिखाते हैं तो फिर सर मतलब इजीएस्ट जैसे आप बताते हो उस मेथड से करें तभी तो ठीक ही रहेगा ना क्योंकि बुक में मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती है उसमें मेथड थोड़े अलग से रखते हैं हाँ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल का मेथड अगर आपको टफ लगता है तो अपना तरीका अपना लिया करो जो सिखा रखा है क्लास में क्लियर है आंसर आना चाहिए प्रॉपर तरीके से ओके सर और बुक आपकी जो अपना ये अपनी क्या कहते हैं जो मेरे नोट्स होते हैं उसमें भी हो सकता है सॉल्व एग्जांपल में मेथड डालोगे लेकिन आपको जो सही तरीका लगे आप वो देगा यहाँ पे भी प्रॉपर्टी 4 से हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन आसान है कर लोगे वापस ट्राई कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो x की जगह रिप्लेस हो जाएगा 5 माइनस x 1 क्रिएट हो जाएगा है ना आसान है क्वेश्चन क्वेश्चन दिखने में अजीब है प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे एक लाइन में हो जाएगा क्लियर है ओके सर ओके सर हाँ जिसको एनसीईआरटी का डाउट था वो पूछ लो क्या था किसी ने एनसीईआरटी से डाउट पूछा था सर log 1 plus cos x लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई ये वही वाला है जो आज सिखाया था ना उसी तरह की से चलो सब लोग एक बार ट्राई कर लो फिर सिखाता हूँ तुम्हें यही था ना पक्का क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लेना पता चला पूरी मेहनत कर ली क्वेश्चन ही गड़बड़ दे दिया यही है ना क्वेश्चन यस सर यही है सब लोग एक बार ट्राई कर लो सिखाता हूँ फिर प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 6 जो अप्लाई हो रही है अप्लाई करो 4 और 6 में काम हो जाएगा मेरे हिसाब से सर एक्सरसाइज 7.11 का 16वां क्वेश्चन है हाँ वो कहीं का भी हो सॉल्व करो ट्राई करो
नहीं हो रहा है, करो सॉल्व में कि कर रहे हो? कर गया सर। करो करो, अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना, नहीं हो रहा तो फिर मैं सिखा दूंगा। ये वो आज बोला था ना मैंने, वापस वैसे फंक्शन क्रिएट करना, वैसे क्वेश्चन है। चलो देखो ध्यान से, काफी टाइम हो गया। पहले तो बताओ वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिखोगे? या फिर आपने क्या किया ट्राई इसमें, अगर प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करी होगी? कोट लगाई थी सर, लॉग ऑफ साइंस को एक्स मिल गया था सर। प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करोगे तो वन माइनस कॉस बनेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर बन जाएगा, और साइन स्क्वायर में टू साइन टू आगे आ जाएगा तो लॉग साइन एक्स आ जाएगा, है ना? यस सर। ये प्रॉपर्टी फोर अप्लाई करी तो ये आ गया, दोनों को ऐड करोगे लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ ए इनटू बी, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो टू साइन एक्स। अब देखो ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी सिखाया था आज, टू टू कट जाएगा है ना, टू टू भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। अब एक बार सीख लो, अगर मैं प्रॉपर्टी फोर वापिस अप्लाई करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन वापिस क्रिएट हो जाएगा, है ना? यस सर। पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा। तो प्रॉपर्टी सिक्स के बारे में सोचते हैं, तो प्रॉपर्टी सिक्स में एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ रही है, तो टू ए माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर तो ये डबल हो जाता था, याद आ रहा है? और लिमिट चेंज हो जाएगी पाई बाई टू में, क्लियर है? जी सर। प्रॉपर्टी सिक्स याद है ना, टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर तो ट्वाइस कर दोगे, लिमिट को आधा कर दोगे, बोलो? यस सर, याद है। अब इसके आगे मैंने वही पूरा सेम क्वेश्चन वैसे ही जो भी पहले कराया था कर लोगे आप सॉल्व, वापिस से कॉस आएगा, वापिस ऐड करोगे साइन कॉस का प्रोडक्ट बनेगा, साइन टू एक्स बनेगा, फिर टू एक्स को टी मान लेना, याद आ रहा है? Yes. Yes, sir, जी, हो जाएगा। ठीक है। एक बार अब ये ना बच्ची हुई सारी चीज आप सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज, ये जेई का खासकर, ये जेई वाली मेंस की एक्सरसाइज एक बार ट्राई कर लेना और अपने अपने आंसर भी मैच कर लेना, क्लियर है? यस सर। ओके जी सर। ठीक है।
ओके सर बाय सर। छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय तो मत करना, अच्छे से पढ़ना। डाउट्स वगैरह आते हो ग्रुप पे पोस्ट कर देना, बीच बीच में जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं पोस्ट करूंगा। हां अभी क्लासेस नहीं होंगे, 2 वीक छुट्टी है, 3-2 तारीख तक छुट्टी है। मंडे मंडे से छुट्टी है। हां मंडे से छुट्टी, क्लासेस नहीं होंगी 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर तक। ओके सर। ठीक है सर। और तब तक आप अपना जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड मॉड्यूल को सॉल्व करते रहो। ग्रुप्स में अगर डाउट पूछते हो मंडे से जब भी तो टैग कर देना। क्लियर है? ओके सर। सर बट 2 अक्टूबर के बाद 3 एग्जाम हमारे, मतलब आप देख लेना जिसको जैसा स्कूल का एग्जाम जैसी तैयारी करना हो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। क्लियर है? फाइनल है ना 3 अक्टूबर।